हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउज़र इज कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी। विंटर सीजन चल रहा है और आपको तो पता ही है कि इस समय मार्केट में कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा मिल रहा है, ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी। तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी क्रश लड्डू। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और साथ ही बनाने वाले हैं फ्रेश नारियल का बूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिया है एक फ्रेश नारियल, जिसे खोल कर उसकी स्किन को हटा दिया है और उसे कट कर लिया है। अब ध्यान ये रखना है कि उसकी स्किन को पूरी तरह से निकालना है, वरना थोड़ी सी भी स्किन रह गई तो बुरा है, जो वाइट नहीं बनेगा, डार्क बनेगा। अब इस खोपरे को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे बारीक पीस लिया है। अब लेंगे एक नॉन स्टिक पैन और उसमें निकाल देंगे एक खोपरे का बुरा। फ्लेम को रखेंगे स्लो और इसे लगातार चलाएंगे। देखिए, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए फ्लेम को स्लो रखना है। सिर्फ इसमें जो मॉइस्चर है वही सुखाना है। इसे रोस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे किसी भी डिब्बे में भरकर फ्रिज में स्टोर कर देंगे। इसे आप बहुत सारी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं और चटनी भी बना सकते हैं। अब बनाते हैं स्ट्रॉबेरी बॉल। उसके लिए चाहिए स्ट्रॉबेरी क्रश। इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। काजू पाउडर, डेसिकेटेड खोपरा जो अभी हमने रोस्ट किया था, मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर। अब लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे डेसिकेटेड खोपरा। स्लो फ्लेम पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसे रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश, मिल्क पाउडर, काजू पाउडर और शुगर पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और रखेंगे फ्लेम को स्लो। जब तक मिश्रण थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, मिश्रण थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। इसे तैयार करने में 5 मिनट लगे हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब लुक में अच्छा लगे, इसके लिए हम इसमें मिलाएंगे 2 ड्रॉप रेड फूड कलर। आप अगर पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हथेली पर घी लगाएंगे और इसके बॉल बना लेंगे। और इसे खोपरे के बोरे से कोट कर लेंगे। इसी तरह सभी बॉल को तैयार कर लेंगे। तो इस वैलेंटाइन डे पर आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और यदि आपके फ्रिज में स्ट्रॉबेरी क्रश और खोपरे का बूरा पहले से ही स्टोर है, तो जब भी आपका मन करे तभी आप इस लड्डू को सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।